अच्छा भाई, मिलियनेरो एक बंदा है इस दौर का, समझ लें वो आइंस्टाइन है इस दौर का, वो समझ लें कि न्यूटन है इस दौर का, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट पंगे करने वाला, मोस्ट डिसरप्टिंग बंदा इलॉन मस्क है इसका नाम, ठीक है। अगर इस दौर में अगर आप नहीं जानते कि इलॉन मस्क कौन है, तो भाई आप किसी खड्डे में रह रहे हो, आप किसी खुड में रह रहे हो, यानी आप एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा होता है ना कि यार लाहौर नहीं जिसने तक क्या, बस यू डू नॉट एग्जिस्ट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। मैं लिखता जाता हूँ चीज़ें, इसने क्या किया आपको पता होना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ ना डिसरप्ट, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ ठीक ठाक जा रही है। फर्ज करो टैक्सी दुनिया में थी, ऊबर आया, हर टैक्सी उसकी ताबे हो गई है, बड़ी बड़ी सी कंपनी ऊबर ने उड़ा दी है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। रटा था दुनिया में, यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेज थे, स्कूल थे, इंटरनेट आई, यूट्यूब आया, नॉलेज इतना आसान हो गया कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही दुनिया में। इसी तरह 8 चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए इलॉन मस्क करे जा रहा है। मैं लिखता जाता हूँ, एक है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज़ क्या कहेंगे जी, एनर्जी में इसने क्या किया, एनर्जी। ओके, तीसरी क्या चीज़ होगी जी, कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तीसरी थी ये हेल्थ, सेहत, राइट। और इनका आपके साथ क्या तलक है, एनर्जी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में इस बंदे ने शुरू की थी कंपनी जिसका नाम है टेस्ला, बिजली की गाड़ियां। जब ये 2010 में इसने बर्ग मारी कि जी मैं बिजली की गाड़ियां बनाऊंगा, आम हो जाएंगी, तेल से बेहतर होंगी, तो इसकी वैल्यू थी तकरीबन 200 कुछ मिलियन, आज ये कई 100 बिलियन में है। और जबकि उस वक्त अपना फोर्ड की वैल्यू थी तकरीबन 26 बिलियन और वो गिर के आ गई है एट 17 बिलियन। इसकी ये कंपनी 10 साल बाद फोर्ड, टोयोटा, पता नहीं जितनी भी आपको आती हैं, शेवरले वगैरह से सबसे ज़्यादा कीमती हो चुकी है, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी थम नहीं रही। ट्रांसपोर्टेशन में इसने एक और चीज़ की, हाइपर लूप, ऐसी ट्रेन जो 3000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, हमें जहाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ग्राउंड के नीचे होती है, मकनतीसों से चलती है, और एक सुरंग सी बनाता है, सुरंग में से ना ये हवा निकाल देता है, प्रेशर निकाल देता है, रेजिस्टेंस निकाल देता है, और वो शूट करके पहियों पर नहीं, मकनतीसी जो होती है ग्रेविटी को, जो डिफाइंग लेविटेशन जिसे बोलते हैं, उस पर, ठीक है, ये हाइपर लूप ट्रेनें चलाता है, और इसको बोलते हैं हाइपर लूप। मुफ्त की ये अपनी फैसिलिटीज देता है टैक्सेस में, कोई भी टीम आके टैक्सेस में इसकी फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकती है मुफ्त की, उसने वहाँ पर सुरंगें बनाई हुई हैं, अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगाओ, और ऊपर से ग्रांट्स भी देता है, पैसे भी देता है, ठीक है। एनर्जी में इसने क्या किया, इसने हमें दिए बेहतरीन से बेहतरीन, वो जो सबसे पहली कंपनी लेके आई थी ना, वेरी इफिशेंट सोलर पैनल्स इसके थे, ठीक है। इसने हमें इसने समझा कि यार दुनिया में ना एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टोरेज की, बैटरियों की। इस साल 2020 में इसने 22nd of September बैटरी डे करार दिया, और बैटरी डे पे इसने अपना जो आम सी बैटरी है लिथियम वाली शायद, उसको 5 गुना ज़्यादा ताकतवर बना दिया। इसने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी वाली फैक्ट्री लगाई है जिसका नाम है गीगा फैक्ट्री। गीगा फैक्ट्री एक चाइना में है, एक डेलावेयर अमेरिका में है। ठेका किसको दिया, पैनासोनिक को दिया। पैनासोनिक आप बैटरियाँ बनाओगे, और ऐसी बैटरी बनाओगे क्या, ताकि कल वाले फ़ोन में ये पड़े और वो महीना दो महीने ख़त्म ना हो। इसने सोलर रूफ टाइल्स बनाई, यार छत आपके वेले बैठे हुए, खासतौर पे फॉरेन में जहाँ टाइलें लगाई जाती है छतों पे, कहते हैं टाइलें लगा के पैसे दे के टाइलें लगा रहे हो ना, मेरी वाली लगा दो, मेरी वाली कम से कम आपके लिए बिजली पैदा करेगी, आपके लिए पैसा करेगी पैदा, तो सोलर रूफ टाइल्स। आगे क्या, कम्युनिकेशन में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में हमें जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, मेरी 4G नहीं चलती, मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तकरीबन ऑल द वे होम, घर तक मुझे इंटरनेट नहीं मैसर होती, जब मैं घर पहुँचा तो जोंग की वहाँ पे चलती है, फिर अगर मैं कुछ सी और शहर में हूँ वहाँ पे कोई जोंग के अलावा कोई और चलेगी, जैज़ चलेगी वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, क्यों सॉल्व करेगा, इसकी है एक कंपनी जिसका नाम है SpaceX, जिसका नाम है स्टारलिंक, दोनों मिल के SpaceX भी लिख देते हैं, हला यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस, ठीक है, ये भी मैंने इस पर भी बात करनी है, ये दुनिया क्यों बदले जा रहा है। कम्युनिकेशन में क्या है कि ये इंटरनेट हमें नॉनस्टॉप 24 आवर्स तकरीबन 12,000 हला में इसने सैटेलाइट्स भेजने हैं, 800 कुछ ये भेज चुका है, सरा में होंगे, पहाड़ के ऊपर होंगे, वादी में होंगे, शहर में होंगे, गांव में होंगे, समंदर में होंगे, आपको इंटरनेट मिलेगी, अच्छी तगड़ी म्यारी इंटरनेट मिलेगी। सोचना क्या कि दुनिया में ना आज तक 2400 सैटेलाइट्स गए हैं, जो जिनमें से 1200
कपूट हो चुके हैं, 1200 भी काम कर रहे हैं, सारे मुल्कों के मिला के, सारी कंपनीज के मिला के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले हो गए, एंटरटेनमेंट वाले हो गए, वगैरह वगैरह, ये अकेला बंदा 800 कुछ चढ़ा चुका है, और वो भी इसी 2020 में। अगले साल 1000-2000 और चढ़ाएगा, और ये जो स्टारलिंक है ये खुल जाएगी, फिर ना जायज़ रहेगी, ना वोडाफोन रहेगी, ना O2, ना कोई और अमेरिका की टेलीकॉम TT जो भी होती है वो रहेगी, बिकॉज सब के सब इसकी जो कम्युनिकेशन है वो इस्तेमाल करेंगे। आगे बिलियनर, आगे दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, सेकंड मोस्ट रिचेस्ट हो गया जी मैन, आपको पता है इज अ मैन। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया जी स्टार लिंक के बारे में, ओके स्टार लिंक, ओके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हेल्थ में क्या होगा, हेल्थ में इसने ऑलरेडी पिग्स को क्या कहते हैं, सुअर में छोटे छोटे चिप्स लगा दिए, वो चिप्स आपको सुअर की ना सारी जो शुगर की लेवल क्या है जी, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल वो क्या है, इसमें बीमारी क्या है, वो फिलहाल हमें बता रही है, वो कब एक्साइटेड है, वो कब सुस्त है, वो कब सोता है, वगैरह वगैरह। सुअर की जो बायोलॉजी होती है काफ़ी इंसान के करीब जैसी होती है, जब मैंने बायोलॉजी UK में पढ़ी थी तो हमें दिल सुअर के दिए गए थे, इंसानी दिल जितने ही बड़े होते हैं, इंसानी जैसे उसके चैम्बर्स होते हैं वैसे ही दिखता है, एंड गर्मा गर्म थे, खून ताज़ा था क्योंकि अभी उनको ज़बह किया गया था। बट एनीवे, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी इतना पैसा आ जाए दैट वी कैन टीच आवर बायोलॉजी किड्स विद सुअर के दिल। एनीवे, ये जो चिप है इसने जानवरों में लगाना शुरू कर दिया, एवेंचुअली इंसानों में आएगी, इंसान की बीमारी के शुरू होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि यार ये फलां बीमारी, इसको कैंसर होने जा रहा है, इसको ये चीज होने जा रही है, बिकॉज उसके जो जैसे छोटे छोटे असरात वाजे होंगे तो उस चिप ने हमें बता देना है। हमें डॉक्टर्स की काफ़ी हद तक ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वही चिप हमें बताएगा कि आपको फलां इतना टेम्परेचर है, फलां बीमारी है, उसकी फलां इलाज है, हमारा जो इलाज है वो एफिशिएंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये बंदा डिसरप्ट कर रहा है, कोई सोच सकता है कि यार डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी दुनिया में, एंड ऑल दीज फैक्ट्स मैं जहन से बता रहा हूँ बिकॉज आई लव द गाय, ये मेरा एक हीरो है दुनिया में, और आपको भी चाहिए दैट यू नो दिस गाय, एलन मस्क है क्या। सो ये चिप डाल रहा है, बहुत और चीज़ें कर रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ओके, स्पेस एक्स इसकी कंपनी है। स्पेस एक्स क्या करती है, एक ज़माने में 1 किलो वज़न हला में लेके जाना, इट यूज़ टू कॉस्ट यू इन मैनी $1000, ये तकरीबन चंद $100 तक ले आया है। ओके, सो एक तो वो लेके आया, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कार्गो ऊपर भेजना, नैसा को इतना एतबार नहीं है अपने रॉकेट्स पे, इसको हायर किए नैसा ने कि यार हमारे रॉकेट्स ऊपर लेके जाओ। इसी साल 2020 में ये वो जो है ना एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस स्टेशन है वहाँ तक ये खुद लेके गया एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि हर 6 महीने के बाद वहाँ से बदले जाते हैं। एलन मस्क का 2026 में प्लान है कि इंसान को मरीख पे उतारेगा, इंसान को मरीख पे उतारेगा। दिस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है। देखो कितना पावरफुल हो सकता है एक बिजनेसमैन, जो मैं आपको बना रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर कितना पावरफुल हो सकता है, बिलियनर। ओके, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में मिलियनर्स बनाने, बिलियनर कितना पावरफुल हो सकता है, ये अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता है। ओके, इसका मुल्क असल में साउथ अफ्रीका है, लेकिन रहता ये अमेरिका। इसकी भी ना ईमान से सादगी वाली कहानी है, एक PC, 2 बाई, एक घर नहीं अफोर्ड कर सकते थे, एक दफ्तर इन्होंने ले लिया, उसी में सोते, शिफ्टें लगाते, एक 12 घंटे कोडिंग करता, एक 12 घंटे सोफे के ऊपर सोता। ओके, सुननी है वो बात की बात है, हला में, मरीख में, मार्स में ये बंदे पहुंचाएगा। फिर हम बात करते हैं कि यार दुनिया में हमें सोना मिलता है, हमें लिथियम मिलती है, हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनमें एनर्जी है, जिनमें कुवतें हैं ऐसी, जो कोयला काट लो, कोयले में कितनी एनर्जी होती है, तेल में कितना होता है, ऑयल में कितना होता है, हम वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना ली, गाड़ियां चला ली। इसका ये ख्याल है कि ये जो होते हैं कॉमेट्स, जो पत्थर दूसरे तारों से गिर के, दूसरे सियारों से गिर के गुजर हैं, इन पे हम क्यों ना लैंड हों, इन पे क्यों ना हम कब्जा करें, हम चांद को आबाद क्यों ना करें, इतना ज़्यादा लैंड है उस पे, कोई ना कोई चीज़ होगी उस पे, ऐसे मादनियात होंगे जो कीमती होंगे और हमारे लिए पता नहीं उसमें सुपर पावर होगी, हल्का सा पाँव पे लगाएंगे शायद वी कैन डिफाई ग्रेविटी। तो ये वो बंदा है, ठीक है, जो कहता है कि हमने कब्जा करना है ऑन अदर सियारे त्यारे एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, और इसकी बड़ी काबिलियत है। फर्दर मोर, अगर एक दिन आपका दिल किया ना कि यार हॉलीडे के लिए दुबई नहीं जाते, हम ना चांद पे जाते हैं, वी जस्ट गो आउट ऑफ स्पेस और दुनिया को देख आते हैं, वैसे ही घूम फिर आते हैं कि यार उड़ता बंदा किस तरह, ठीक है, हला में हमने जाना है जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, ये आपको लेके जाएगा, जिसको स्पेस हॉलीडेज बोलती हैं। छठी चीज़ मेरे जहन में आ रही है, उसको कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, दिस वुड बी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक OpenAI जो है ना इसकी है। OpenAI क्या करती है कि आज क्या
ऑलमोस्ट साल हो गया मुझे देखते हुए कि ये चीज़ इंसानी शक्लें बना रही है दैट ऑफ पीपल दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप एक यूआरएल पे जाइए, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, उस जैसी चीज़ें। वो नहीं कह रहा कि इसकी इस चीज़ ने बनाई है, लेकिन आपको अगर मुझे बताना है ना कि एआई क्या कर सकती है, तो एआई इस ऐसा दिमाग जो सोता नहीं है, जो इंसान कंट्रोल कर सकता है, बीमारियां हल कर सकता है, प्रॉब्लम्स हल कर सकता है। इसको बस बताना है कि ये प्रॉब्लम है, आप कर दो, हमारा वर्कलोड कम करेगी, लेकिन इससे कई जॉब्स भी जाएंगी। ये बंदा डिसरप्टर है, तबाह कर रहा है इंडस्ट्रीज को, तबाह कर रहा है हमारे ही फायदे के लिए। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, हम जल्दी अब बात करते हैं। यार मैं यूके जा रहा हूँ, मैंने प्लान किया हुआ मैं यूके जाऊँगा, 21 घंटे मेरे टोटल लगेंगे, दिस वुड टेक मी टू यूके 1.5 घंटे में। ओके, एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेरी गाड़ी शुरू में 7 दिन बाद इसकी बैटरी मर जाती थी, अब तकरीबन 3-4 दिन बाद मर जाती है, और मैं तीसरी गरीब हूँ, मैं गरीब बदल देता हूँ, बैटरी कमीने जो ना नहीं बदलते। इसके करने से हमें ऐसी एनर्जी मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, ज़्यादा सूरज की जो सोलर है उसने एफिशिएंसी इसने बढ़ाई, बैटरी स्टोरेज इसने ठीक की, इसकी गाड़ियाँ 3,000 मील तक चलेंगी बिकॉज इसकी बैटरियाँ हैं, कम्युनिकेशन इसने वो गाड़ियाँ बनाई। ये पहला बंदा था जिसकी गाड़ी बनी जो बगैर ड्राइवर के चली, ठीक है, पहली गाड़ी दुनिया में, इसकी गाड़ियाँ राइट नाउ दुनिया में बगैर ड्राइवर के चलती हैं, लेकिन और किसी कंपनी की नहीं चलती, वो सारी टेस्टिंग में, इसकी लाइव आप खरीद के को बोलो मुझे फलां जगह से फलां ले जाओ, वो खुद बहुत ले जाएगी। आज तक सिर्फ 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, तो इंसानों के तो इससे ज़्यादा होते हैं, सो वो भी कभी जानवर की थी, कभी एक सिर्फ ड्राइवर की गलती थी जिसमें हुआ। व्हाट एल्स बस ठीक है। एआई क्या करती है, एआई सबकी हेल्प करती है, सबको एफिशिएंट करती है, और ये ओपन है, यानी कि कोई प्रोग्रामर भी इसको डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकती है, कर सकता है, ठीक है। एंड दैट इज़ एलन मस्क। मैंने कहा ना आप सोए हुए हो, इफ़ यू डू नॉट नो हु एलन मस्क इज़, इस दौर में यू लर्न फ्रॉम हिम, इसकी जो सोच है, इसके काम करने का तरीका और इसकी सादगी, कहाँ से इसने शुरू किया था। ओके, नहजा चाय वाला, अल्लाह हमें भी बहुत सारे एलन मस्क दे। वो अजीम साहब है ना, अजीम साहब जोल्टा वाले, उनको मैंने इन भाईजान का मैंने लकब दिया था कि ही इज़ आवर एलन मस्क, लेकिन हमें और भी चाहिए क्योंकि वो भी बैटरी पे काम कर रहे हैं और उनकी बैटरी तकरीबन आई थिंक 10 मिनट में चार्ज हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में वो हमें बिजली की गाड़ियाँ देंगे, हमें बिजली के बाइक्स दे दिए उन्होंने, हेल्थ वो देखी जाएगी इंशाल्लाह। ओके, राइट नाउ ही इज़ पंपिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अब जुलिए।